नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे विभिन्न राज्यों के द्वारा COVID-19 ऐप्स कौन कौन से लॉन्च करे गए, इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से ऑपरेशन COVID-19 के तहत लाए गए। सभी से अनुरोध करूंगा इजी नौकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन क्लिक कर लें जिससे आप हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विभिन्न राज्यों ने विभिन्न तरह के ऐप्स, योजनाएं और ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी ऐप्स और योजनाएं हैं वो हम आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, शुरुआत में जो कोरोना का जो प्रचार प्रसार हुआ केरल राज्य में ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था, उस दौरान केरल ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की, जिससे कि जो एक्टिव केसेस हैं उन्हें ट्रेस कर उनका इलाज करने में मदद मिले। अगला योजना है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य के पहल पर शुरू हुआ। तो दोस्तों, हिमाचल में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, जिससे कि हिमाचल में जो कोरोना का प्रसार हो रहा है उसे रोकने में हेल्प मिल सके। किस राज्य ने COVID-19 ऐप से लड़ने के लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया, जिससे कि एक्टिव केसेस को प्रसार होने में रोका जा सके। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ डिक्लेरेशन या स्व घोषणा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नागालैंड के द्वारा ये ऐप घोषणा किया गया, जिसमें कि स्वयं ही व्यक्ति अपने आप को कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकेगा। COVID-19 के सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों, COVID-19 से लड़ने के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गोवा है। भारत सरकार के द्वारा COVID-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आरोग्य सेतु भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और अब सभी के मोबाइल्स में ये आरोग्य सेतु ऐप है, जिससे कि हम ट्रेस कर सकते हैं कि हम किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं आए। किस मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए स्टूडेंट इन इंडिया पोर्टल की स्थापना की है। तो दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टैंडर्ड इंडिया पोर्टल की जो लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा COVID-19 पीड़ित मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, कोरोना वॉच कर्नाटक सरकार के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पीड़ित मरीज को ट्रेस या ट्रैक किया जा सके। किस IIT कंपनी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया है। तो दोस्तों, IIT गुवाहाटी के द्वारा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ये जो ड्रोन है वो डेवलप किया है, जिससे कि बड़ी जगहों को सैनिटाइज किया जा सके। COVID-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान किस राज्य द्वारा मोदी किचन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो जिस तरह भी मजदूर वर्ग के या जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य की पुलिस के द्वारा राजकॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया, जिससे कि COVID-19, इसके अलावा पुलिस में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं उनको भी ट्रेस करने में मदद मिल सके। किस IIT कंपनी के द्वारा COVID-19 पीड़ितों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल ऐप डेवलप किया गया। तो IIT बॉम्बे के द्वारा, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस दौरान IIT बॉम्बे ने यह ऐप डेवलप किया, जिससे कि इन कोरोना पेशेंट्स को ट्रेस किया जा सके, जिससे कि इनका इलाज किया जा सके। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा टीम 11 का गठन किया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीम 11 का गठन किया है, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटने के या महामारी से निपटने के लिए जो कड़े कदम उठाए जा सके। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य के द्वारा, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सेना की पहल पर किया गया। तो भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते लाया गया, जिसमें कि हैंड जो शेकिंग है उसको ख़त्म किया गया और नमस्ते का जो प्रारूप है वो सेना के अंतर्गत नॉर्म्स में फॉलो होगा। नमस्ते ओवर हैंडशेक किस राज्य में शुरुआत की गई है, किस राज्य की पहल है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ये हैंडशेक, नमस्ते फॉर ओवर हैंडशेक की पहल की गई है। 5T प्लान किस केंद्र शासित प्रदेश की पहल है। तो 5T प्लान जो है वो दिल्ली राज्य अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लाया गया है। किस IIT कंपनी ने कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया। तो IIT रुड़की के द्वारा कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया गया है।
किस सेना ने ऑपरेशन संजीवनी की फिलहाल में ही शुरुआत किया है? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की अभी फिलहाल में ही शुरुआत की गई है। किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइजेशन करने के लिए वी सेफ टनल की स्थापना की है? तेलंगाना की जो चंद्रशेखर राव सरकार है उनके द्वारा वी सेफ टनल की स्थापना की गई है जिससे कि लोगों को सैनिटाइजेशन किया जा सके। किस मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के चैलेंज समाधान की योजना की है? तो MHRD जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री होम ने ये जो कोविड 19 के तहत समाधान योजना का जो है वो शुभारंभ किया है। किस राज्य ने पुलिस में होम क्वारंटीन लोगों को रक्षा के लिए सर्व ऐप विकसित किया? तो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की जो सरकार है उनके द्वारा पुलिस में होम क्वारंटीन जो लोग हैं उनके लिए ये ऐप विकसित किया है। किस राज्य ने कोविड केयर जो ऐप है वो लॉन्च किया है कोरोना से निपटने के लिए? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कोरोना कोविड 19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने युक्ति वेब पोर्टल को शुभारंभ किया है? तो दोस्तों MHRD ने युक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। किस IIT कंपनी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप या आयुषनिक विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा आयुषनिक और डिजिटल स्टेथोस्कोप है जिसको IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। कोविड 19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आयुर्वेद से कोविड 19 के जो मरीजों का इलाज करने वाला पहला राज्य गोवा है। कोविड 19 के नमूनों को पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। यानी कि बहुत सारे नमूने लेकर एक जगह उसकी पूल टेस्टिंग करी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तब सिलसिलेवार ढंग से लोगों की टेस्टिंग शुरू होगी। कोविड 19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? अगर पहले राज्य की बात करें तो वो दिल्ली था, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कॉलेज है लखनऊ में जहाँ ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई। किस संघ ने कोविड 19 की जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया? तो BCCI के द्वारा ये जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। भारत की पहली कोविड 19 नमूना संग्रहालय मोबाइल लैब किसने इसका शुभारंभ किया? तो ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा कोविड 19 नमूना संग्रह मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो दोस्तों ये प्रमुख थे कोविड 19 बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस। निश्चित रूप से आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।